हेलो फ्रेंड्स, शोभना की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ सीरम के बारे में। तो ये है बायोटिक मॉर्निंग नेक्टर विजुअली फ्लॉलेस सीरम फॉर ऑल टाइप स्किन, और ये काफ़ी अच्छा है लगाने में। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम लोग की स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई और बिल्कुल बेजान सी हो जाती है। तो सीरम आप कोई भी यूज़ करिए तो सभी अच्छे हैं अपनी स्किन के हिसाब से। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये सीरम ट्राई किया जाए, और काफ़ी अच्छा है लगाने में। रेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरम होते हैं ज़्यादातर तो इतना ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि हम लोग लेने में सोचते हैं कि अरे ठीक है। लेकिन इस मामले में ये रेट की वजह से भी अच्छा है, लगाने में भी अच्छा है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये बायोटिक का सीरम है, जो 40 ml इसकी क्वांटिटी है, यहाँ पे प्रिंट है। और यहाँ पे आते हैं तो इस साइड में 230 इसका रेट है, और मुझे 161 डिस्काउंट पे पड़ा है, जो मुझे काफ़ी सही रेट लगा। डिस्काउंट तो कम ज़्यादा होता रहता है, आपको जब सही लगे तब आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट है। और ये सीरम आपकी स्किन को ब्राइट लुक देने के साथ स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी करता है। इस सीरम को बनाने में काफ़ी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, मुलेठी रूट, नारियल सीड, कमल, राइजूम। तो ये सीरम कॉन्सेंट्रेट करता है डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस पे। और एक बार मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। वैसे बाहर से तो इसका कवर बहुत अच्छा है, और इसकी जो ये छोटा साइज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसका जो मैं कैप खोल के आपको दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, और काफ़ी अच्छा है। और ज़्यादा मतलब लाइट वेट है तो काफ़ी अच्छा, इसकी स्मेल जो है तो वो भी बहुत अच्छी है। लगाने में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ज़्यादा लगाने में टाइम भी नहीं लगेगा इसको। और इसकी जो कैप है वो भी काफ़ी सही है लगाने में। ये नहीं है कि बच्चों के पास अगर छूट जाए तो जल्दी बच्चे खोल के उसे खेल लें या फिर ख़राब कर दें। तो मुझे काफ़ी पसंद आया, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो ये सीरम काफ़ी अच्छा है, और प्लीज़ आप लोग एक बार मंगाइएगा, लगाइएगा अपनी स्किन पे। तो मैंने आपको बताया बायोटिक सीरम के बारे में, जो काफ़ी अच्छा है लगाने में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब तक किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तब तक नहीं बता सकते, फिर भी अगर आप इस सीरम को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो इसका जो लगाने का मेन तरीका है, कि वैसे सीरम ज़्यादातर सभी को पता ही है कि सीरम लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, जो हमारी स्किन की जो गंदगी है वो निकल जाती है। और सीरम जो है हम लगाते हैं तो हमारी स्किन को अंदर से ग्लो करता है, और धीरे धीरे उसका असर देखने को मिलता है। तो मेरे मेन कहने का मतलब ये है कि जो ये सीरम है, इससे जो हमारे डार्क स्पॉट हैं वो जल्दी से जल्दी तो नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका असर नज़र आएगा। आप लगाइए, यूज़ कीजिए इसको एक बार, और आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।